दोस्तों, एशिया कप 2023 के सुपर फोर में पाकिस्तान को भारत और श्रीलंका के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। इन दो मैचों के बाद बाबर आजम की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक श्रीलंका के खिलाफ हारने के बाद बाबर आजम और उनके प्लेयर्स के बीच ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हुई है। इसके बाद बाबर अपने होटल रूम में पहुंचे और किसी भी प्लेयर से बातचीत नहीं की। दोस्तों, पाकिस्तानी चैनल बोल न्यूज के स्पोर्ट्स पत्रकार एजाज वसीम ने बताया कि श्रीलंका के खिलाफ मैच हारने के बाद बाबर आजम ड्रेसिंग रूम में अपनी टीम को एड्रेस कर रहे थे। बाबर ने टीम से कहा कि इस मुकाबले में प्लेयर्स ने जिम्मेदारी से नहीं खेला। इसी बात पर पाकिस्तानी टीम के स्टार पेसर शाहीन शाह अफरीदी ने बाबर आजम को जवाब दिया। शाहीन ने कहा कि कम से कम आपको उन खिलाड़ियों की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने अच्छी बैटिंग और बॉलिंग की है। बाबर को शाहीन का टोकना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मुझे पता है कौन अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, कौन अच्छा नहीं खेल रहा है, किसकी क्या जिम्मेदारी है। जानकारी के मुताबिक बहस को बढ़ता देख पाकिस्तानी टीम के विकेटकीपर, बल्लेबाज और पूर्व कप्तान मोहम्मद रिजवान ने बीच में बीच बचाव किया।